Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs. So let's see what are the current affairs. Before we know the some important news of our country or world news, just because there is a lot of knowledge to discuss with you. So let's see what are the news. तो लगातार देश में कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है. दिल्ली गुजरात में बदतर स्थिति हो रहे हैं और लगभग 91 लाख से अधिक मरीज हो चुके हैं. तो हम सभी को सजग होने की आवश्यकता है. जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसमें हम लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है. हर एक राज्य को हर एक घर में लोगों को इसके लिए जागरूक करने की आवश्यकता है और हम जितने भी शिक्षित लोग हैं हम सभी मिलकर देश को बचा सकते हैं. लगातार स्थिति खराब है. एक दिन में करीब करीब 45,000 के आसपास कोरोना मरीज निकल रहे हैं, जिसमें से 91 लाख के आसपास पहुंच गए थे. उसमें से 85,62,000 लोग ठीक हो गए हैं. और मैं आगे बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरे क्लास में उसमें से लगातार देख रहे हो तो आप जाके टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी PDF प्राप्त कर सकते हो इस क्लास का. भारतीय अमेरिकी एक डॉक्टर थे लोढ़ा, अजय लोढ़ा जी, उनका कोरोना से मृत्यु हो गया है. बैंकिंग बड़े सुधारों की आवश्यकता, सीतारमन जी के द्वारा बोला गया कि देश में बहुत बड़े सुधार होने की ज़रूरत है. और चालू खाते का जो अधिशेष है उसको दर्ज कर सकता है भारत, क्योंकि लगातार उत्पादन बढ़ रही है और कंज्यूम की जो संख्या है कंज्यूमर की वो घट रही है. मतलब कंज्यूमर नहीं घट रही है, कंज्यूम पावर ऑफ कंज्यूम जो है वो घट रही है, जिसके कारण आयात कम होगी. आयात कम होगी तो एक तरह से रोजगार में सुधार हो सकता है. और देखा जाए तो देश में जो है वस्तुओं की मांग जो है वो भी घट रही है, इससे आर्थिक संकट भी बढ़ सकते हैं और मांग का भी संकट भी बढ़ सकता है. यानी इसको कहा गया है हाई अंडर हीटिंग की स्थिति. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास. तो सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी दिन प्रतिदिन जो भी घटनाएं घटती है उससे जुड़े एक सवाल और इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दिए जाते हैं. उसके साथ ही आज का इतिहास, इससे 5 सवाल रहते हैं और उसके साथ में जवाब भी रहते हैं. उसके बाद मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरूर है, उसका टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और अबाउट द कंट्री स्टेट्स में कंट्री सीरीज चल रही है. तो आज हम लोग एक नए देश के बारे में जानेंगे. तो देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे. लगातार 3 बार असम के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई. 84 वर्षीय का लंबी बीमारी के पश्चात निधन हो गया. उनकी इलाज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा था. उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के बड़े गणमान्य लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया. वह 2001 में पहली बार असम के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे. असम का राजनीतिक इतिहास में तरुण गोगोई एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे. तरुण गोगोई ने छात्र जीवन से ही राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया. उनका जन्म 11 अक्टूबर 1934 को तत्कालीन शिव सागर जिले के जोरहाट के रंगाजान चाय बागान में हुआ था. तो एक तरुण गोगोई बहुत ही फेमस लीडर थे आसाम के. वो एक राजनीतिकार राजनीतिज्ञ उनको कहा जा सकता है. तो उनका हाल ही में लंबी बीमारी कारण से, मतलब मैं बताऊं कि कल ही उनका मृत्यु हो गया है. उनकी प्राथमिक जीवन भी और निजी जीवन में भी काफ़ी शिक्षा का महत्व था. वो लगातार जो है मतलब एक तरह का देखा जाए तो वो शाम को करीब करीब 5:34 में उनका निधन हुआ सोमवार को. और उनके जीवन के बारे में भी बता दूं कि गोगोई तरुण गोगोई ने प्राथमिक शिक्षा जो है 26 नंबर रंगनाजन के बुनियादी विद्यालय से शुरू की थी. वर्ष 1949 में जोरहाट सरकारी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की. उसके पश्चात ऊपरी असम के प्रसिद्ध उच्च शिक्षा संस्थान जगन्नाथ बरुआ महाविद्यालय में दाखिला लिया. वहां से उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की. इसके पश्चात उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की. 1972 में तरुण गोगोई गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान के स्नातक की डिग्री प्राप्त कर डोली गोगोई के पास विवाह बंधन में बंध गए. तरुण गोगोई के 2 संतान पुत्री चंद्रिमा गोगोई और पुत्र कलियाबर के सांसद गौरव गोगोई हैं. गौरव गोगोई कलियाबर संसदीय क्षेत्र के लगातार दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुए हैं. वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय समिति में गौरव गोगोई का काफ़ी प्रभाव रहा है और है.
तो एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो एक इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि तरुण गोगोई कहाँ के मुख्यमंत्री थे, वो कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, आसाम में जो भी एग्जाम होने वाले हैं या आसाम के जो भी बोर्ड हैं उसे जो भी एग्जाम होने वाले उसमें पूछने की संभावना बहुत बनी हुई है, आने वाले रेलवे ग्रुप डी में पूछी जा सकती है, तो इसको जरूर याद रखें, काफी इम्पोर्टेंट एक तरह का ये आपको करंट अफेयर्स बन गया है। आगे देखते हैं आज का इतिहास में। आज ही के दिन वर्ष 1831 में ब्रिटेन के भौतिक शास्त्री माइकल फैराडे ने बिजली की खोज की थी। तो बिजली की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे, जो भौतिक शास्त्र थे यानी वैज्ञानिक थे ब्रिटेन के। आज ही के दिन वर्ष 1871 में राष्ट्रीय राइफल्स एसोसिएशन का गठन किया गया था। आज ही के दिन 1870 में डिप्टी कमिश्नर बनने वाले पहले हिंदुस्तानी कावासाजी जमशेदजी पेटिग्रा का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1926 में प्रख्यात दार्शनिक श्री अरविंदो घोष को पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। आज ही के दिन 1759 में इटली में विसुवियस पर्वत शिखर पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जो काफी नुकसान वहां के वातावरण को, वहां के स्थानीय स्तर पे लोगों को दिया था। तो ये था आज का इतिहास जो काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें से 5 सवाल हर दिन आपके लिए दिए जाते हैं, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है उसमें पूछने की संभावना बहुत बनी रहती है, तो आप इसको जरूर याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसका नोट्स बना ले, जिस तरह का आपके पास संभव है, जो भी संसाधन है उसके अनुसार आप इससे काम कर सकते हैं। आगे देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है, क्योंकि विदाउट मोटिवेशन लाइन हम लोग आगे कुछ इंस्पायर नहीं कर सकते, कुछ से हम डेडिकेट नहीं कर सकते। तो जानते हैं आज का मोटिवेशन लाइन, ना सफर डराता है ना सफर थकाता है, अब तो पाना ही है वो मुकाम जो रातों को जगाता है। तो बिल्कुल सही है, अब ठंड का सर्दी का मौसम आ गया है, हम लोगों को इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है, जितने भी छात्रगण हैं, क्योंकि दिन छोटे करते हैं और रात बड़े करते हैं। इसमें हम सभी सेक्रीफाइस स्ट्रगल के साथ अपना एक ग्रुप डी एनटीपीसी का जो एम्बिशन आपने रखा है, जो आपने फॉर्म फिलअप किया है, जो आपका गोल है उसको आप पूरा कर सकते हो। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, क्योंकि दिसंबर के 15 तारीख से ही एग्जाम होने की संभावना है। तो ना सफर डराता है ना सफर थकाता है, अब तो पाना ही है वो मुकाम जो रातों को जगाता है, यानी हम रात को हम लोग अथक को मेहनत करके भी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपना सपनों को पूरा कर सकते हैं, उसको उड़ान तक पहुंचा सकते हैं। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स शुरू होने वाला है, उससे पहले मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आप जल्दी से पेन पेंसिल लेकर बैठ जाएं, ताकि इसका नोट्स उतार सकें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल मिलने वाले हैं आपको और जवाब भी। तो देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। गोवा के पूर्व राज्यपाल और भाजपा नेता मृदुला सिन्हा का 78 वर्ष में निधन हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल इससे बन सकता है, तो आप इसको जरूर याद रखें, इस तरह का सवाल हमेशा पूछने जाने की संभावना बहुत बनी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार महिला क्रिकेट टीम को शामिल किया जाएगा। तो इससे पहले 1998 में मैं कहूँ तो करीब करीब 1998 में कुआलालंपुर में पुरुषों की टीम को कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया जा चुका है। तो 2022 में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स, लंदन के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और एसआईटी ई ट्रेनिंग एंड लर्निंग एकेडमी अटल के 46 ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। काफी एक इम्पोर्टेंट सवाल इससे आपको निकल के आए हैं, इसको आप जरूर याद रखें, क्योंकि इस तरह का सवाल पूछने की संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है, तो इसको जरूर इसको याद रखें। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने प्रस्तावित सुक्रिया मिशन के लिए फ्रांस रूस सहित अंतरिक्ष आधारित 20 प्रायोगिक प्रस्तावों का चयन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका रोड स्कॉलर्स के तहत गैर अमेरिकी मूल के 32 छात्रों में से 4 भारतवंशी ने ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति हासिल की है। तो उसमें से ऑनलाइन इसमें का चयन किया गया है, जिसमें से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की छात्रवृत्ति के लिए 2300 छात्रों ने आवेदन दिया था। कोरोना महामारी के काल में पहली बार ऑनलाइन चयन किया गया है। विजेताओं में 17 महिलाएं, 14 पुरुष है और एक ट्रांसजेंडर छात्र भी है। तो 4 भारतवंशी जो हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इसमें 16 समितियां बनी गई थी जो आवेदनों को छांट और देख रेख कर रही थी।
288 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के करीब छात्रों ने इसमें आवेदन दिया था। भारत की जो स्वाति आर श्रीनिवासन, विजय सुंदरम, राम सेमी, गरिमा पी देसाई और सवरानी शंका शामिल हैं, ये चार विद्यार्थी। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी के परपौत्र सतीश धुपेलिया का कोरोना वायरस से निधन हो गया, तो अस्पताल में उनको इलाज के दौरान ही उस संक्रमण के चपेट में आ गए थे। 66 वर्ष के थे। उनकी बहन जो उमा धुपेलिया मिस्त्री ने इसकी पुष्टि की है, उनको निमोनिया हो गया था, करीब 1 महीने से उनका उपचार चल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम का हिस्सा बना। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है बाघों के लिए। इस तरह का सवाल पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी है एग्जाम में, तो आप इस तरह का नोट्स को जरूर तैयार रखें। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि इसका इस तरह से सवाल पूछने जाने पर आप इसका मिस ना कर पाओ। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान के डिजिटल डिजिटल शिखर बैठक की अध्यक्षता की, जो उन्होंने लगातार जो भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उसी के में उसमें 16 देश हैं, और ये 16वां आसियान इंडिया समिट था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी लीडिंग की है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका ने औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया। तो हाल ही में बताया गया था कि भारत सरकार या भारत देश जो है लगातार पेरिस जलवायु समझौते के तहत पहले ही और एकमात्र विश्व का है जो जिसने 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करने में कामयाबी हासिल की है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया के 15 देशों ने चीन समर्थित RCEP व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो RCEP एक बहुत बड़ा डील हुआ है जिसमें चीन के समर्थन जो भी हैं, उत्तर कोरिया है, पाकिस्तान है, रूस है, रूस नहीं, रूस तो यूरोप में पड़ते हैं, और भी बहुत सारे देश हैं, हांगकांग है, मलेशिया है, ये सभी देश जो हैं चीन के समर्थन में हैं, और RCEP ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। करीब करीब इसमें 15 देशों ने अपना भागीदारी सुनिश्चित किया है, जो एक तरह से देखा जाए तो भारत के लिए एक संदेश भी, मैसेज भी दिया गया है कि भारत भी अपना एक अलग संगठन बनाए, और इस व्यापार से भारत को क्या नुकसान और नफा होने वाला है उसमें वो रियलाइज करे, एनालिसिस करे। आगे देखते हैं, कंट्री इस्टोनिया के बारे में। इस्टोनिया आधिकारिक तौर पर इस्टोनिया गणतंत्र उत्तरी पूर्व के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित एक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में फिनलैंड खाड़ी, पश्चिम में बाल्टिक सागर, दक्षिण में लातविया और पूर्व में रूस से मिलती है। एस्टोनिया मौसमी समशीतोष्ण जलवायु से प्रभावित है। इसका ध्वज देख सकते हैं, 2 रंगों का है, ऊपर में ब्लू है, नीचे में ब्लैक है। कुल चिन्ह देख सकते हैं, राष्ट्रीय गान मेरी पितृभूमि, मेरी खुशी मेरा उल्लास। राष्ट्रपति जो है वहाँ संसदीय गणराज्य, राष्ट्रपति जो है तुमास हेंड्रिक इलेवन है, प्रधानमंत्री अंद्रुस एनसिप हैं, रिफॉर्म पार्टी के एस्टोनिया रिफॉर्म पार्टी के संसद अध्यक्ष एनी एंगरना है। वर्तमान गठबंधन RE और IRL के द्वारा दिया गया है। राजधानी तल्लीम है, सबसे बड़ा नगर भी वही है। राजभाषाएं एस्टोनिया बोली जाती है। निवासी एस्टोनियन स्वतंत्रता मिली जो है लगातार उनको, अलग अलग स्वयं स्वायत्त घोषित स्वतंत्रता की घोषणा जो है 12 अप्रैल 1917 को की गई, फिर 24 फरवरी 1918 को की गई, फिर से 1940-41 में प्रथम सोवियत के द्वारा उसको कब्जा किया गया था, फिर जर्मन के द्वारा, फिर लगातार 20 अगस्त 1991 में फाइनली उसको स्वतंत्रता मिली, यानी इंडिपेंडेंस हुआ एस्टोनिया। इसका क्षेत्रफल जो है 45,228 वर्ग किलोमीटर है। जल इसमें अच्छा खासा है, 4.45। जनसंख्या जो है 13,40,415 है 2009 के जनगणना के अनुसार। घरेलू सकल उत्पाद जो है 2000 के अनुसार 27,207 बिलियन डॉलर है। मानव विकास सूचकांक में माइनस में मुद्रा यूरो चलती है। दूरभाष कोड 72 है। इंटरनेट LD.EE है। तो ये था इस्टोनिया के बारे में। आगे देखते हैं, नासा नासा जुड़ा हुआ कुछ सवाल। नासा ने हाल ही में बताया कि उसने अप्रैल 2020 में मिल्की वे में रेडियो सिग्नल और एक्सरे का मिश्रण देखा, यह आकाशगंगा में पहले कभी नहीं देखा गया। नासा ने भी फास्ट रेडियो बर्स्ट की स्पॉटिंग की सूचना दी है। मिल्की वे गैलेक्सी में देखा गया फास्ट रेडियो
बर्स्ट मतलब एक तरह का ब्लास्ट हुआ, एक शक्तिशाली न्यूट्रॉन स्टार से था। इसे मैग्नेस्टर के रूप में जाना जाता है। नासा एक अमेरिका की संस्था, नेशनल एरोस्टिक्स एरोस्पेस एजेंसी है अमेरिका की, जो दुनिया में सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक है। तो लगातार वो अपने बुलंदियों पर छू रही है, और भारत की इसरो और नासा दोनों लगातार मिलकर कई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर्स, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में भी मिलूंगा, मैं विकास कुमार वर्मा आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और अलविदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, नए जोश ऊर्जा के साथ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाते जाते यदि आप कोई तरह का कमेंट सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य दें। सो थैंक यू वेरी मच।